अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टिपेंटो आईआर टैबलेट के बारे में। टिपेंटो आईआर टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं दोस्तों। टिपेंटो आईआर टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है टिपेंटाडोल HCl 75 mg की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। एक पैक में 10 टैबलेट्स होती हैं और सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं मेडिसिन किस ग्रुप किससे बिलोंग करती है, तो दोस्तों ये मेडिसिन ओपियाइड एनाल्जेसिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ऐसी अदवायात जो कि दर्द को दूर करने में मदद करती हैं और नशावर होती हैं, जैसा कि ट्रामाडोल। इसके अलावा जो है नेलबन इंजेक्शन वगैरह, ट्रामाडोल टैबलेट और ट्रामाडोल इंजेक्शन वगैरह, ये सारे ओपियाइड एनाल्जेसिक में ही आते हैं, दर्द को दूर करते हैं लेकिन थोड़ी इसमें नींद भी होती है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन इन यूज़ की, दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन मैनेजमेंट में, मतलब किस्म की अगर दरमियानी से शदीद किस्म की जो दर्द हैं जिसम में उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब थोड़े दिनों के लिए अगर किसी को दर्द के लिए दवा देनी हो तो इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। बात करते हैं कौन कौन सी पेन्स में ये हेल्पफुल साबित होती है, तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है बॉडी में कहीं भी दरमियाने से शदीद किस्म के दर्द में इसको यूज़ किया जा सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, इसके अलावा इसको यूज़ किया जा सकता है फ्रैक्चर पेन में, इसके अलावा कोलिलिथियासिस पेन में यूज़ कर सकते हैं, किडनी स्टोन पेन में यूज़ कर सकते हैं, अक्यूट अपेंडिसाइटिस पेन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को हड्डी टूट गई है उस सूरत में यूज़ किया जा सकता है, ऑपरेशन के बाद होने वाली दर्द में इसको यूज़ किया जा सकता है, पित्ते और गुर्दे में अगर दर्द वगैरह हो तो पथरी की वजह से तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर किसी को अपेंडिक्स की वजह से जो है शदीद दर्द होती है तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, एलर्जी को इस साल से वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, इसके अलावा कोई ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग से एलर्जी को वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, अगर कोई पहले एंटी डिप्रेशन मेडिसिन यूज़ कर रहा वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करे, अगर कोई अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करे। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो जिसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है, इसकी जो यूजल डोज़ है वो एक टैबलेट दिन में 1 से 2 दफ़ा खाने के बाद दी जा सकती है। मोस्टली इस मेडिसिन को एक गोली रात को सोते वक्त ली जाती है, क्योंकि इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा नींद होती है, गुनौदगी होती है, तो इस वजह से ताकि दिन में पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे, इस वजह से इस मेडिसिन को रात को सोते वक्त लेने को कहा जाता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेल मेडिकेशन के तौर पे यूज़ ना करें, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, एक पैक की प्राइस है जी 330 रुपीज़, 330 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है, और ये पाकिस्तान में आपको 330 रुपये की मिलेगी। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल टिपेंटो आईआर टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।